दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और मैं काफ़ी समय बाद आ चुका हूँ वापस, ब्लॉगिंग के लिए तो नहीं, पर आज कहीं ऐसी जगह आया हूँ कि खुद को रोक नहीं पाया, जो अपने अंदर का एक छोटा मोटा ब्लॉगर जैसा भी है, टाइम पास या शौक या तरीके से जो भी करते हैं, तो उसमें खुद को नहीं रोक पाया, इसलिए कैमरा खोल लिया। फ्रंट कैमरा उतना खास हो भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो कैमरे का स्क्रीन गार्ड है वो वहाँ से उखड़ चुका है, इस वजह से वो थोड़ा ख़राब हुआ है। तो थोड़ा बिल्डअप बनाते हैं। और मैं जयपुर आया हुआ था, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था TY ड्यूटी, उसके रिगार्डिंग। तो वो अनफॉर्चुनेटली आज सब कुछ, हमने मॉक वगैरह ड्रिल सब कुछ कर ली थी, लेकिन फिर भी वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। तो वहाँ, तो अब वहाँ से वापस जाने से पहले तो सोचा आज अभी फ़्लाइट ट्रेन नहीं मिल पा रही है, तो तब तक थोड़ा राजस्थान एक्सप्लोर करें। तो मैं इस समय आया हूँ एक जगह जो कि है चौकी धानी। चौकी धानी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ है, लेकिन लोगों ने बनाया इसको इस तरीके से कि जिससे आप एक छोटी सी जगह में राजस्थानी कल्चर को देख सको। तो आगे वीडियो में बने रहिए, अगर आपको राजस्थानी कल्चर देखना है और आपको शौक़ है नए नए कल्चरों को जानने का, समझने का, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और चलिए दिखाते हैं आपको राजस्थानी। तो राजस्थानी कल्चर में सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं, ये है चौकी धानी जगह जो कि जयपुर में है, और कुछ इसी तरीके से रहा करता होगा राजस्थान प्राचीन टाइम में। अभी के टाइम पे तो सब जगह वही कंक्रीट वगैरह सब कुछ बन चुके हैं, तो पहले इसी तरीके से ये चीज़ें शायद सीमेंटेड है, लेकिन पहले ये मिट्टी ही रहा करती होगी, और मिट्टी पर इसी तरीके की नक्काशी वगैरह, पुताई वगैरह, ये प्राकृतिक पेंट हुआ करते हैं इस तरीके से। ये न जाने किस तरीके के पेंट है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बनाया है तो प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि ये गांव के जैसा ही है, और काफ़ी प्यारा और सुंदर अप्रतिम दृश्य ये, जो दृश्य देखते ही बनता है। और ये राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ पे ये बिंदनी और ये कुंवर सा जैसा भी है, बढ़िया है। और ये है मेरे दोस्त मिस्टर ओमकार, ये HQWNC में है। और ये देखिए खोखली वगैरह शायद, हाँ भाई जी, तो किस काम के लिए यूज होता है भाई ये? ये किस काम के लिए यूज होता है? पानी पीने के लिए भाई। हाँ, तो ये घड़ा है, काफ़ी ठंडा पानी, इसमें शीतल जल इस मटके में रहा करता है। और ये गिलास में देखिए प्यारे प्यारे वो जलाए गए हैं लाइट। तो ऐसे ही कुछ मटके यहाँ रखे गए हैं, तो प्राचीन काल में आप समझ सकते हैं इसी तरीके से कुछ रहा करता होगा। और ये लोग स्वागत करते हैं सबका तिलक लगा कर, काफ़ी अच्छा कल्चर है, जिससे कि लोगों को चेहरे पे रौनक आ जाती है सब चीज़ें देख के। तिलक मुझे भी लगाया गया, लेकिन उस समय मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा था, तो उस चक्कर में मैं आ गया था, स्किप कर दी थी वो चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि खाने में 900 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, उसी में ही खाना वगैरह है। तो सुना है कि 56 भोग है, देखते हैं आगे जाके क्या है क्या नहीं। मेरे 3 प्यारे दोस्तों ने टिकट ले लिए हैं, आगे जाके हम मैनेज कर लेंगे उसे स्पीड वही। देखिए टिकट दिखाए जा रहे हैं, और ये हम चारों को अंदर एंट्री देंगे, मस्त तरीके से घुसेंगे हम अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से। राम राम भाई, राम राम। और काफ़ी प्यार से यहाँ पर लोगों को सत्कार दिया जाता है, पूरा एक तरीके से जैसा कभी राजस्थान में गांव रहा करते होंगे, सेम उसी तरीके से। ये देखिए ये साफ चेकिंग कर रहे हैं भाई, हम नेवी से हैं, हम नहीं करेंगे ऐसे कुछ भी कि आप जिससे लगे कि नुकसान हो। तो ये देखिए इस तरफ भी देख दिखा लेते हैं हम आपको, काफ़ी अच्छा लगता होगा देख के, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा हो कि काफ़ी कुछ हट के आज मिला है बनाने के, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग करने की सोची। नहीं तो अभी फ़िलहाल CGL वगैरह के एग्ज़ाम है, तो उस चक्कर से काफ़ी चीज़ें छोड़ी हुई है एडिटिंग का। हो सकता है इस ब्लॉग को पता नहीं कब डालूं, और जब भी डलेगा शायद आप लोग इन्जॉय करेंगे। और कभी अगर जयपुर आएँ तो एक बार चौकी ढानी ज़रूर आए। वैसे तो जिसका मन इसी में भर जाता है कि चलो ऑनलाइन देख ले, तो ऑनलाइन मेरा ब्लॉग भी देखोगे, आगे भी और ब्लॉग मिलेंगे, बहुत ब्लॉग होंगे, बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं आजकल शौक या तौर पर हर तरीके से। तो काफ़ी अच्छी जगह देखी, यहाँ बैठ के आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और शाम के टाइम आता तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता, अभी लाइटों में और प्यारा लग रहा है। हालांकि हम शाम को ही आते, पर किसी कारणवश हमें थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि अपने को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेना था जिससे ये प्रूफ होता कि हम आए थे यहाँ पे ड्यूटी करने, TY ड्यूटी। आगे नहीं हुई, कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तो उसमें अपना फॉल्ट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है।
तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा है, मेरे तीनों दोस्त बिछड़ चुके हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे वो भी। अब मैं उनके साथ घूमूंगा तो शायद आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा इतना, इसलिए मैंने उन तीनों को छोड़ दिया है। वो तीनों फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे और मैं तब तक कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगा। बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं करी है तो इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, अंदर से विचार निकलते जा रहे हैं। मन कर रहा है कि मैं चुप ही ना रहूँ, बोलता ही रहूँ। लेकिन आप लोग बोर ना हो इसलिए आपको हसीन नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे लोग, बहुत ही प्यारा कल्चर, प्यारा राजस्थान। और कहीं से तो म्यूजिक की आवाज़ आ रही है तो हम उसी तरह बढ़ चढ़ेंगे जिधर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। ये देखिए मेरे तीनों दोस्त, तीन में से दो तो दिख गए हैं। और ये इधर कुछ है, बहुत ही प्यारा सा घड़ा। इस घड़े में क्या है भाई जी? तो इस घड़े में क्या है? शीतल जल। हाँ, जलजीरा। तो दोस्तों ये लोग जलजीरा पिला रहे हैं और हम जलजीरा पिएंगे, मस्त जलजीरा बना होगा ठंडा ठंडा। देखिए जलजीरा, और पेमेंट एक ही बार कर दो, उसके बाद जो मर्जी वो खाओ, जैसे मर्जी वो करो। ये जलजीरा बिल्कुल फ्री था, यहाँ कहीं रेट भी लिखे हुए किसी किसी चीज़ों पे, तो शायद हर चीज़ फ्री नहीं होगी। और ये देखिए दोस्तों बेहतरीन राजस्थानी डांस यहाँ पर, झूमे रे भाई साहब। ये देखिए दोस्तों ये आ गए हैं यहाँ से हम टॉप पे। तो यहाँ से उतना प्यारा नहीं दिख रहा है कि मतलब पेड़ वगैरह है तो उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लग रहा है कि एक प्यारा सा छोटा सा गांव बसा हुआ है, एक प्यारा राजस्थानी गांव जो कि मन को मोह लेता है और बस मन करता है कि यहीं बस जाएँ। तो काफ़ी प्यारा और देखने लायक दृश्य है। और हम ओमकार से पूछना चाहेंगे, सर आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके, पूरा वाइब ही वाइब है। और हमारे साहिल साहब थोड़े दुखी थे आते टाइम, अब कहिए सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? सही लग रहा है भाई, बहुत सही। मेरा फोटो निकल भाई, और फोटोग्राफी करेंगे, तब तक हम आपको दिखाते हैं कुछ और स्वर्णिम नज़ारे। ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, ये घोड़ा गाड़ी। भाई ये सब फ्री है क्या, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सब? हाँ ऐसे ही कर रहा। हाँ अरे हाँ भाई, जलजीरा तो फ्री था भाई, पर एक जगह रेट भी लिखे थे 40 रुपये वहाँ कहीं दूसरी जगह से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बकचोदी के साथ साथ आपको अप्रतिम नज़ारे यहाँ पे राजस्थान के दिखाते हुए। राजस्थानी कल्चर कितना प्यारा रहा करता होगा, वो गांव जो इस तरीके से बसा रहता होगा कि घर ऐसे नहीं है कि कोई घर लाइनों में लगे हुए, घर रैंडमली बने हुए कहीं भी इधर उधर, इस तरीके से कि लोग मस्त मज़ा ले रहे हैं, कहीं भी बैठने के लिए इस तरीके से बैठे हैं लोग, उस तरीके जैसे वो वहाँ अंकल जी बैठे हैं। देखिए मस्त बैठे हैं, आराम से जलजीरा पिला रहे हैं लोगों को, मस्त पुण्य काम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह, मज़ेदार, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, वंडरफुल। देखिए दोस्तों मस्त यहाँ पर पानी है और नाव भी है। नाव में लोग घूम रहे हैं। ये सामने आपको दिख रहा हुआ भोलेनाथ,
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है केरला का कल्चर, और ये एक महिला जो मछली पकड़ के आई है केरल। काफ़ी विकसित देश है, काफ़ी विकसित देश नहीं राज्य है, फ्लो फ्लो में ओवरफ्लो। और ये है सामने पॉन्डीचेरी। ये तेरे गांव का नहीं है भाई, ये केरल का है। ये है केरल की महिला, ये कुछ कर रही है, रंगोली बना रही है। रंगोली बनाना होता है, बहुत ही सुंदर रंगोली। भाई साहब बंटे रखे उसके। आप उत्तराखंड से हो क्या? उत्तराखंड है। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। और ये है केले, केले क्योंकि बनाना फेमस है साउथ की तरफ। और ये महिला यहाँ पे फिश पकड़ रखी है इसने, पिराना फिश। और ये नाव वगैरह है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये पौंडीचेरी, पौंडीचेरी खाली खाली वाय पूछता है भारत, क्या पौंडीचेरी में कुछ भी नहीं है देखने लायक चीज़ें? क्या व्हाट इज़ दिस शोइंग कि ये पौंडीचेरी क्या है? क्या ये बना नहीं है प्रॉपर? भाई खाली क्यों है पौंडीचेरी? पौंडीचेरी खाली क्यों है? वाय जीतू भाई वाय, पौंडीचेरी खाली क्यों है? और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जय महाराष्ट्र। और इस टाइम पे जय महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है लेकिन महाराष्ट्र इस टाइम पे मेरी कर्म भूमि है, तो हमें भी महाराष्ट्र से उतना ही प्यार है जितना किसी मराठी को होता होगा। तो ये कभी ना सोचें कि ये लोग नॉर्थ से है तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, और कर भी लोगे तो क्या होगा, गलत मैसेज ही जाएगा, उससे आप लोगों की इज्जत ख़त्म होगी, आप लोगों का ही नुकसान है। तो कभी भी अपने मन में किसी भी ये देश भावना ना लाएं, देश भावना नहीं द्वेष भावना। देश भावना अच्छी चीज़ है, द्वेष भावना बहुत बुरी चीज़ है। तो द्वेष भावना ऐसी कभी भी ना लाएं। और ये हमारा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, छोटा राज्य इन द सेंस ऑफ एरिया, एरिया वाइज ये सबसे छोटा राज्य है। नो सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, एरिया वाइज नहीं, ये पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है, एरिया वाइज गोवा सबसे छोटा है। तो साथ के साथ आपको करेक्ट करते रहेंगे, कभी कुछ गलती हो भी जाए तो छोटा भाई बड़ा भाई दोस्त कुछ भी समझ के आप माफ़ कर सकते हैं। नहीं भी माफ़ करोगे तो भाड़ में जाओ, हमें माफ़ी नहीं चाहिए। आप अगर बड़ा दिल करके माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी चाहिए, अगर आपका दिल छोटा है तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये है पंडित छेदीलाल चौबे सम्राट ज्योतिष, ये कोई बहुत बड़े पंडित रहा करते होंगे तो इनके लिए भी बनाया है ये अक्का कुमार। तो हमें इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है लेकिन ये राजस्थान के हैं। तो जीतू भाई हमारे कह रहे कि इन्हें कुम्हार बोलते हैं और ये प्रजापत है। देखिए कितने प्यारे प्यारे घड़े इन्होंने बनाए हैं, वाव गांव में बनाते हैं ऐसे, क्या ज़बरदस्त मटके हैं ये। और इसमें पानी भरा जाता है, ये राजस्थान की एक तरीके से पानी की जो सब कुछ पूरी करते हो यही मटके करते हैं लोग, 30-30 किलोमीटर दूर से पानी भर के तिवारी बोलते हैं, एक के ऊपर एक मटके रख के आते हैं। ये है तिवारी, क्या ये थान? हाँ बोलते हैं, ओके छान, छान छान मतलब यहाँ पे जानवर वगैरह रखते होंगे? नहीं नहीं, अगर नहीं, इसमें रहते ही हैं। ओके देखो इसको जातन बोलते हैं, दातुन चाकी है, इसको चाकी या जातन बोलते हैं, और इसको सिगरी बोलते हैं। ओके और छान हमारे यहाँ भी बोलते हैं भाई जौनसार में, लेकिन वो बोला जाता है हमारे यहाँ जैसे छान मतलब जहाँ हम जानवर रखते हैं। वो कुछ कर रहा है, वो कुछ बना रहा है जैसे लोहार जैसे। ओके ओके लोहार है, हाँ वो कुछ गर्म करके निकाल रहा है। ओके 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 उसमें से लोहा लोहा को घुमा रहा होगा कुछ लोहे का ऐसे कुछ करके, वही राजस्थान। ये आटा गूंद रही है महिला, महिला नहीं इसकी बेटी होगी भाई ये। हाँ बेटी है। ओके
इन दोनों में ये भाई भाई है दोनों शायद, ये दोनों भाई भाई है। तो काफ़ी प्यारी कुटिया है इनकी। चलो मैडम मिलते हैं फिर दोबारा, कभी आए राजस्थान आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे मुर्गे, छोटे छोटे नहीं काफ़ी बड़े बड़े मुर्गे हैं, और मुर्गे कुकड़ू कु, तो बहुत ही ज़बरदस्त मुर्गे हैं यहाँ पे। और हमारे जीतू भाई हमसे आगे आगे बहुत सी चीज़ देख लेंगे। और ये लालटेन वगैरह कुछ रखी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो गोल गुंबद जैसा लग रहा है। और ये दोस्तों आपको एक चीज़ बताएं कि ये शायद मिट्टी से बना है प्रॉपर, गोबर से, वाओ, या बना होगा नॉर्मल, मुझे लगता है इसके ऊपर गोबर को पाता गया है। गोबर तो अपने गांव में भी खूब पाता जाता है गांव में। तो काफ़ी प्यारी जगह, ये तिबारी है जैसे कि जीतू ने बताया था, ये तिबारी, यहाँ पर लोग खाद डाल के सोते होंगे एक तरीके से, मतलब कह सकते हो आप बरामदा टाइप या कुछ भी अंडर शेड, जहाँ पर अच्छी तरीके से कम्फर्टेबली सोया जा सके। तो अभी तक थे हम राज्यों के बारे में, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वो देख रहे थे, अभी हम प्रॉपर राजस्थान में घुस चुके हैं। यहाँ पे ये चल रहा है कि दिखाए गए अलग अलग वो, कि जैसे दो पड़ोसन ने आपस में बात करी है, हो सकता है एक बहू एक सास आपस में बैठी है, नहीं सॉरी, ये जिस तरीके से हम देख सकते हैं तो ये पटाखे बेचने वाली या चूड़ी बेचने वाली लग रही है, शायद ये चूड़ी की दुकान है इस महिला की, घर के अंदर ही चूड़ियाँ बेचती हो जैसा कि होता है घर से। मोदी जी हमारे कह रहे हैं छोटे छोटे वो चलाओ, ये हाँ ये चूड़ियाँ बेचने वाली है, बनाने वाली हो सकती है, भाई ये बनाते हैं ना, ये ऐसे बनाए जाते हैं, ओके, ऐसे लाख ये बनाए जाती है, इससे गरम करके, लाख को गरम करके उसको घुमा घुमा के चूड़ियाँ बनाई जाती है। ओके ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके से चूड़ियाँ बनाई जाती है राजस्थान में। और राजस्थान के कंगन बैंगल बहुत फेमस है, उतना मेरे को जानकारी नहीं है कि कहाँ के फेमस है, लेकिन बहुत सी जगहों के यहाँ फेमस चीज़ें हैं राजस्थान में। और ये क्या है, राम राम सा रास्तो खेत खलियान रो, वे टू फार्मिंग एरिया। इधर जो ये रास्ता जा रहा है अब आगे फार्मिंग एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम शाम को आते तो क्या ही मज़ा आता फार्मिंग एरिया देखने में। और ये छोटा बच्चा सो रहा है, ये महिला यहाँ पे क्या कर रही है, इसके हाथ में कुछ तो है, शायद ये नर्तकी है। इधर भी ये कुछ कर रहा है बंदा, देखो उतना समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, वीडियो में समझ आए टाइम लगा के देखिए, पॉज करके देखिए, हमारे पास ना इतना समय है। और ये जानवर तो गांव में, व्हाट इज इट, आर यू मैन डॉग, लग तो ये शक्ल से कुत्ता ही रहा है, तो ये शायद कुत्ता ही होगा। और ये यहाँ पे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, ये बिगड़ा हुआ बच्चा, शैतान बच्चा जीतू भाई, हमारे बचपन में इस तरीके से कुछ इनको खाना खिलाया जाता था, चोपड़ खिलाया जा रहा, नहीं कालू मोची की थड़ी, मोची ये है थड़ी, ये है मोची साहब अपने, इसको मतलब मोची बोलते हैं, मुची होता हर जगह भाई। तो ये उधर यहाँ पे दाल भी, ये दाल पीसते हैं, इसमें अनाज पीस सकते हैं, इधर इसको मस्त खिलाया जा रहा है इस बिगड़े हुए बच्चे को खाना। और ये है इधर बाबू लोहार, क्या बात है बाबू लोहार जी, बाबू लोहार के घर पहुँच चुके हैं हम, लोहार साहब राम राम, राम राम साहब। और ये इनकी बीवी है, इन्होंने बच्चा यहाँ सुला रखा है, बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार उम्र से, जैसा कि हम आपको जूम करके दिखाएं, ये बच्चा लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से, साला भूत लग रहा है, कोई बात नहीं। ये इधर ये भी लोहार या ये मोची लग रहा है, लोहार ही है, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है सिस्टम, बाबू लोहार का घर। और जैसा कि देख सकते हैं भाई, राजस्थान में कुत्ते ज़्यादा है क्या, कुत्ते नहीं है भाई, ये क्या ये बकरी, बकरी तो सिंह होते हैं, कुत्ते ही है, ये कुत्ते ही है भाई, हर जगह तीन तीन कुत्ते बांध रखे तुमने, इतने कुत्ते होते राजस्थान भाई। इधर क्या चल रहा है, इधर मुर्गा बना रखा है बच्चों को, स्कूल है ये, अरे भाई साहब देखिए दोस्तों, जीतू का स्कूल, और यहाँ पे मुर्गा बना रखा है इन्हें, सजा पता नहीं क्यों दी गई है, किस वजह से, मास्टर जी खुद गायब है और बच्चों को वो मुर्गा बना रखा है। दिनांक कलांश विषय अध्यापक क आ ई ई ऊ ए आई ओ औ अंग अ ख ख ग ग छ छ झ झ के बाद गुरुजी को आ नहीं आता था तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये कौन सा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ियाल कलां जिला दौसा, भाई साहब जीतू का जिला तू भी दौसा सही है ना भाई, तो बड़ियाल कलां ये जगह है जीतू के आसपास का कहीं का है, तो कोई बात नहीं, जीतू मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है मुंबई का,
मुंबई में हम मिले, एक ही बैच से है तो दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई। कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल करती है, वो है कि बंदे की सोच वैसी है जैसी मेरी है, मुझे मतलब बहुत सी चीज़ें मिलती है तो इसलिए सही है। गीता देवी कटाई वाली, गीता देवी कुछ कटाई कर रही है, किस चीज़ की कटाई हो रही है भाई? ओके, गांधी जी का चरखा, गांधी जी का चरखा इधर चल रहा था, चरखा आंदोलन गांधी जी, ये यहाँ भी पहुँच गया, ये भी छोटा सा बच्चा है इधर आ, और लोग यहाँ पे छोटा बच्चा देख रहे हैं, हम गांधी जी का चरखा देख रहे हैं। भाई साहब जी तो आए गुफा, ये गुफा है देख, रास्तो गुफा और जंगल रो, भाई जंगल में तो नहीं घुस जाएंगे अपन सही में भाई, बाहर आ जाएंगे अपन। देखिए दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं, मुझे लाइव आना चाहिए था इस टाइम पे ताकि हमें कुछ हो जाए। भाई साहब गुफा जंगल में, जंगल में भागना हो बस, अब लिटरली भाई फट रही है इस टाइम पे, तो मैं थोड़ी फ्लैश लाइट जला लेते हैं। हम जंगल में घूम रहे हैं, जीतू भाई हमारे गाइड, कहीं से छन छन की आवाज़ आ रही है, भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे आप, और जंगल में आग, अरे भाई साहब आदिवासी, आदिवासी जंगल में देखो आदिवासी शिकार करते हुए। हाँ शामू शानू, ओ भाई साहब ये भाई कपड़े नहीं पहनते क्या लोग? ओके ओके कोई बात नहीं, चाल तो चाल चाल तो चाल तो, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई ये लोग नहीं करते थे भाई, इतने पागल लोग नहीं थे ये। और ये देखिए हम आपको जो पानी दिखा रहे थे वो पानी यहाँ पर भी है, बहुत ही प्यारी जगह, ये बाहर की जगह है और अभी हम अंदर घुस चुके हैं, काफ़ी बढ़िया जगह, क्या ही आलीशान जगह है, कसम खा के कहता हूँ, नहीं कह सकता मैं, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस प्लेस मैन। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जीतू भाई का, या खुद को अब फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आया, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक। और हम वापस आ चुके हैं जंगल से, हाँ भाई खो तो नहीं जाएंगे अपन, बाहर निकल जाएंगे ना इधर से, माता वैष्णो देवी मंदिर। ओके रास्तो रेगिस्तान रो, अरे भाई साहब रेगिस्तान से तो हम वापस आए हैं शायद, ओके ओके ओके। और ये दोस्तों ऊपर ऐसा ही जैसा हम एक जगह चढ़े थे वैसा ही है, बात ही, अरे मगरमच्छ कब से आ गया भाई राजस्थान में, ओए पेलेंगे तो नहीं अपन को आदिवासी पेलेंगे तो नहीं अपन को। और ये देखिए दोस्तों ये कौन से जानवर है भाई? हिरन, ये वो हिरन है जिनका शिकार करें, ये है जंगल देवता, ये लोग आदिवासी डांस दिखाने वाले हैं हमें, आदिवासी डांस दिखाएंगे। इन भाई साहब के पास हथियार है, आदिवासी हथियार, और ये लालटेन वगैरह इधर है, इधर ही बन रही है, चलो दिखाओ डांस दिखाओ। हमारे दो मुंबई से आए हुए दोस्तों के लिए स्पेशल फरमाइश पे एक बार और आदिवासी डांस यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त।
दोस्त वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए यहाँ पे, बहुत ही सुंदर झरना वैष्णो देवी के लिए, बहुत ही प्यारी जगह इन्होंने बनाई है। ये देखिए दोस्तों, ये मगरमच्छ नहीं, डायनासोर है, इट्स अ डायनासोर। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद। सिपाहियों हमला! देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई होते हुए यहाँ पे, ये सामने हाथी पे सवार राजा, राजा भानु प्रताप सिंह, और आगे इनके मंत्री, और इधर घोड़े से राणा प्रताप सीधा हाथी पे चढ़ते हुए, क्या ही बेहतरीन लड़ाई है। यहाँ पे इतिहास की तरफ ना जाएं, बंदे की भावनाओं को समझें। इतिहास हमें बहुत आता है क्योंकि मैं SSC की स्टूडेंट है, लेकिन इतना इतिहास अभी इस टाइम पर बखारना भी सही नहीं है, और कोई महत्व भी नहीं है उसका। आप लोग मनोरंजन के उससे देख रहे हैं, तो देखिए इस युद्ध को, क्या युद्ध हो रहा है भयानक यहाँ पे। हैं, पता नहीं भाई, भाई क्या कर रहा तू इधर, काय कर दो, तुम ही इकड़े काय कर दो। और देखिए दोस्तों, हाथी मेरा साथी, ये जिंदा हाथी है प्रॉपर, बहुत ही बेहतरीन हाथी, क्या मस्त चाल से चल रहा है अपना, मस्त मोला, बिल्कुल मज़ेदार चाल, फ्री माइंड होके ज़बरदस्त तरीके से। तो ऐसे इन प्राणी को देख के लगता है कि इसको कितना घमंड होना चाहिए। यहाँ दिखाया जाएगा हमें कि इच्छाधारी नागिन कैसे बनती है। सही में हमें मत डस ना, देखो नागिन, अरे भाई साहब जी, तो ओ माय गॉड, बेहतरीन, क्या बात है। इच्छाधारी नागिन, बहुत ही जबरदस्त। देखिए दोस्तों, कितना हाथी को देखिए आप, लिटरली बंदे ने अपनी ट्रेनिंग देखी है उसकी, उसने अपनी टांग पूरी मोड़ दी है ताकि वो नज़दीक पहुंच सकें और लोग उस पर आसानी से बैठ सकें। और इस गजराज के हम आपको एक बार सामने से दर्शन कराना चाहेंगे, क्या ही प्यारा गजराज है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय हो गजराज की। नज़दीक आए, अरे बहुत प्यारा गजराज है भाई, नहीं यार डर सकता है फोन, चल छू ले। वीडियो है, इट्स अ वीडियो मैन, यू विल सून वायरल ऑन यूट्यूब। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है भूल भुलैया, तो हम इसके अंदर घुसते हैं, अब देखते हैं कि सही में भूल जाते हैं हम या नहीं भूलते। यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं अंदर, यहाँ से कैसे भूल सकता आदमी, पहले अंदर ही नहीं घुसूंगा मैं, तो चूतिया थोड़ी हूँ, क्या समझ रखा है यार, मामू समझाया अपने को, एड़ा समझाया क्या, वो खो गए भाई, खो गए। अपन को भी अंदर घुसने का है, पर घुसे कैसे, अपन बारीक हो गए, हमें अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई अंदर खो रहा है, कोई बाहर खो रहा है, कैसन भूल भुलैया है बा, हम अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा है, किधर से अंदर जाएं, पूरी चार तरफ घूम चुके हैं। ओके फ्रॉम दिस वे, ओके भूल भुलैया से।
ओके ओके, अब नाउ आर टर्न। तो दोस्तों पहले बाहर ही बाहर से घूमेंगे, क्योंकि अंदर अंदर घूम गए तो फिर समझो घूम ही गए। ये पीपल का पेड़ और भूल भुलैया काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बेहतरीन भूल भुलैया है। और हम गलियों में घूमते रह जाएंगे। यहाँ से रास्ता बंद हो गया। हाँ भाई किधर? अरे भाई साहब ओंकार बाहर निकल गया भाई, निकल लिया वो बाहर निकल लिया। अभी तो सेम रास्ते से बाहर आ जाएंगे अपन, अंदर तो घुसा ही नहीं मैं है? अंदर तो मैं घुसा ही नहीं हूँ। कहाँ पजल है? इधर से घुसने दे मेरे को, अब अंदर मैं अंदर गया ही नहीं हूँ, बाहर ही बाहर से वापस आ गया। चल ठीक है, और मुझे जीतू को ढूंढना है दोस्तों। जीतू मुझे छुप रहा है, जीतू तू दिख गया। आइस पाइस आइस पाइस। देखिए दोस्तों मैंने जीतू को सक्सेसफुली ढूंढ लिया है, चला जा ढूंढ ढूंढ। बेहतरीन यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। देखिए देवता का पूजन कर रहे हैं यहाँ पे। पानी निकालती हुई महिलाएं, पर कुएं में ऐसी लाइट किसने लगवा दी? ये थोड़ा गलत है, सही भी है, कोई बात नहीं, थोड़ा फिर तो लगाई लाइट। राजस्थानी डांस, चुने बनो रे बाग में झूला डाला पड़ी गए। Thank you.
शुरू हो चुका है, अभी शुरू करने वाले हैं कठपुतली डांस। अरे वाह, राम राम सा, राम राम सा, अनारकली। अरे भाई, आ जाओ मैजिक शो देख लीजिए, जादू जादू जादू, आ जाइए, नागिन लहरा लेने वाली है। हेलो जी भैया, जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला जादू उस पत्थर का। अच्छा, ये पत्थर है सीमेंट का, देखो। ठीक है, ऐसे करके छड़ी घुमाते गायब, फूक लगाएंगे जमीन का, मट्टी लेंगे, इसी मट्टी पे रख देंगे, बोल देंगे घुस ले आ, चमचमाता हुआ सिक्का है, सिक्का नई चाल का, असली सिक्का है ये, नई चाल का बनाया है, बिल्कुल यहाँ का नहीं है। लो भैया कैच करना है इसे, कैच करना, कैच करो, सन देख के हमें बता दो कौन से सन में बना है। तो बैठा है भैया, सिक्का जो हमारा हमने सिक्का बेटा भैया पत्थर मार रहे हैं लाइट में, ऐसे काम बिगाड़ दिया। अब दोबारा पत्थर यहाँ मार पे जमीन मट्टी लगा लिया, एक डबल बने का सिंगल है, दो बने, दो बन जा, दो हो जा, झूले में से मट्टी उठाएंगे, जादू वाला चमकता हूँ, मट्टी लेंगे, मट्टी चमकने वाला है, मट्टी डाल देंगे आपके सामने, का बात है बेटा, मट्टीला जादू वाला, और जो जादू वाला मट्टी साफ लोग के सामने लेकर आ, जो साफ लोग देख के बोले कि मट्टी है डाला है, अब डबल बनेगा, दो बन जा, डाला देगा सीधा ले, अब यहाँ बनाएंगे, देखो एक ध्यान लगाना, दो लेकर आओ, अरे जबरदस्त, एक दो तीन चार पाँच छः सात एक आठ सिक्के बन गए, आठ है, ऊपर चढ़ेंगे भैया, ऊपर चढ़ो, यहाँ चढ़े आओ, आ जाओ कोई बात नहीं, टाइम क्या आ जाओ, अब देखो ये आठ ही आठ सिक्के, आप जल्दी मुट्ठी में बंद करना, डबल बन गया, जाओ चले जाओ, मुट्ठी बंद, जोर से भूख मार के फेंको, फेंको, फेंक दो, नहीं आए दिमाग मत लगाओ, लेट आया
राम 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 राम। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त भाई, बेहतरीन, क्या प्रस्तुति है, भाई देख डर चुका है, कह रहा मेरे को नहीं देखना। इस उम्र में इतनी कठिन चीज देख लिया भाई ने। क्या ये तुलसी का पेड़? तुलसी तो चलो मैंने अपने आप ही, हनुमान जी का मंदिर भाई, हनुमान जी का लगा लो, हनुमान जी के। अरे यार जादू आ रहा है, आ जाओ, 2 मिनट का बाबू जी आ जाओ, आ जाओ, नहीं देखना हाथ में नहीं बाबू। अच्छा, अरे ऐसा कहाँ से बटन आ गए, ये तो मैंने देखा है भाई, जितने इसको कर दे, कर सकता है इसको। देखिए दोस्तों, देख लिया वो अमित को आगे, वहाँ पहले बुलबुलैया तो हाथी बैठा था ना वो पे, जूट जूट। ओके ओके, ये ऊन से जूट से गली से सामने, हाँ ये गली बोलते हैं। बहुत जबरदस्त आर्ट यहाँ पे, तंदूरी चाय, व्हाट इज दिस मैन। ओके, चाय पत्ती है क्या, लग तो चाय पत्ती रही यार। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें इस जगह पर है देखने लायक। चाय उधर एक बार पिएगा ना, मज़ा आ जाएगा सही में। चल फिर मतलब आग में भर के उसमें पूरा निकाल, पहले देख ले स्कैनर या फ्री कुछ है, क्योंकि अपने पे कैश नहीं है, फोन पे करेगा तो होना भी तो चाहिए ना। और आए हम यहाँ पे दोस्तों, पहले पूछ ले भाई पे यू स्कैनर वगैरह कुछ है क्या। हाँ है, बस बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम आए यहाँ पर चौकीदानी में तंदूरी चाय पीने, और ये भैया पहली बार हम तंदूरी चाय पीने जा रहे हैं। भैया बना दो जरा कैसी बनती है चाय का, हम बहुत शौकीन है क्योंकि ऑफिस लाइफ में एक चाय ही ऐसी है जो उत्तराखंड से आया भाई, हमें बहुत ज़्यादा सुकून देती है। हर 10 मिनट बाद चाय, कभी कभी टाइम पास के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। पूरा लाल हो चुका है ये, बेहतरीन तरीके से अब इसमें चाय निकाली जाएगी। देखो दोस्तों कुल्हड़ चाय, ये है दोस्तों तंदूरी चाय, क्या ही जबरदस्त चाय बन रही है, बहुत ही बेहतरीन, टैलेंट है भाई टैलेंट। तंदूर में इसको गर्म किया जाता है बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा लाल कर दिया जाता है, और काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हुए भाई यहाँ पे कि खुद ना चले। ओ भाई साहब, और छौके की तरह लग रहा है यहाँ पे, देखिए क्या जबरदस्त तंदूर की खुशबू आ रही है, वाह। बैतनी खुद ही उबल रही है चाय, देखो कितनी जबरदस्त तरीके से उबल रही है, बेहतरीन भाई बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है, गजब जबरदस्त। ये है 900 रुपये बफेट डिनर, राजस्थानी सेल्फ सर्विस, इसमें सेल्फ सर्विस है 900 रुपये में, बढ़िया डिनर 900 रुपये में। आपको लग महंगा रहा होगा लेकिन इतनी बेहतरीन जगह पे आप खा रहे हैं, रॉयल जगह। बाहर भी आप लोग बैठ सकते हैं लेकिन बाहर इतना सही बैठना नहीं है क्योंकि पंछी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्या बेहतरीन जगह है, बिल्कुल आलीशान जगह, और मैं इस जगह का नाम भूल जाता हूँ, बहुत बार बार नाम भूल जाता हूँ, चौकी धानी, चौकी धानी इसका नाम है। और ऊपर देखिए रॉयल, राजस्थान रॉयल, और ये बेहतरीन जगह है। यहाँ पे क्या करें, अपन एंट्री करें क्या? हम इस समय आ चुके हैं अभी यहाँ पे खाना खाने, और ये अपने जीतू भाई इस तरफ राजस्थान से कलाना जबरदस्त जगह है यहाँ पे बिठा के बढ़िया तरीके से। चौकी, ये है असली चौकी, चौकी धानी, दिस इज कॉल्ड चौकी मैन। और ये लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, पेड़ की तरीके से बनाया गया है इसको, पेड़ बिल्कुल बहुत भी। अरे देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स, हे विच कंट्री, ओके ओके बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए राजस्थानी कल्चर को देखने के लिए, और अपन भी आए हैं इंडियंस, वी आर इंडियंस कमिंग हियर टू वॉच।
राजस्थानी कल्चर। एक फॉरनर हमारे पास भी है, ये चाइना से है, हुन चुंग मिन, कोरोना फैलाने वाले हमारे साहिल भाई। इन घड़ों में शायद मक्खन रखा है, जितना मर्जी उतना फैल जाओ, इसकी माँ का मजे में। तो दोस्तों अभी खाना आएगा, आपको खाना दिखाएंगे। और ये बड़े बड़े लोग यहाँ भी कुर्सियाँ लेके बैठे हैं और उधर भी वो कुर्सियाँ लेके बैठे, लोग इतने मोटे हो जाते हैं कि उनसे पालथी मार के नहीं बैठा जा रहा। और अपने फॉरेनर दोस्त बिल्कुल बढ़िया तरीके से पालथी मार के बैठे हैं। मेहंदी सजा ली है भाई ने अपने हाथों में, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सकियाँ अब कलियाँ। ये है खिचड़ी का अचार, खिचड़ी का अचार, और ये है मिर्च का अचार, सांगरी खिचड़ी, सांगरी का अचार, ये सांगरी का अचार है भाई साहब, गजब। और अपने को दो दो कुल्लड़ दिए गए, इसमें पता नहीं क्या दिया जाएगा। तो ये है, ये है लहसुन का अचार, एक में छाछ एक में पानी, लस्सी बोलना है लस्सी, हाँ इसमें एक में लस्सी एक में पानी। और ये दोस्तों एक है धनिए की चटनी और एक इसकी, और ये बेहतरीन शायद मक्खन है, वाह मक्खन बटर, अमूल बटर वालों सीखो कुछ, ऐसे भी पैकिंग हो सकती है। तो हमारे साहिल भाई साहब भी बहुत खुश लग रहे हैं, चम्मच गिर गए, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ धरती पे ही तो गिरे यार। तो दोस्तों ये देखिए मक्खन बहुत ही जबरदस्त, क्या शानदार बेहतरीन तरीके से, ये वो गिरेगा नहीं, बटर बटर बटर, हाँ घी नहीं है बटर है इट्स। और इसको तो आप सभी जानते ही, आ गया चना, प्रसाद में भी यूज होता है। और कटोरियाँ इतनी दी जा रही है कि जितनी मर्जी आप भर लो, जितनी मर्जी खा लो। यहाँ का एक डायलॉग है, मैं बताना नहीं चाहता इस लाइव चैनल पे, कभी कभी प्लेट बनेगा समझ में। और ये अपने जीतू भाई थाली देख के घबरा चुके हैं, वाह ये चूरमा है। चलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चूरमा है भाई ये चूरमा, तुला माई थी, घेऊन जा घेऊन जा पटकन घेऊन जा। देखिए दोस्तों अभी ये बड़े बड़े से आए कटोरे, इसमें भी कुछ बढ़िया सा आया है, कुछ तो होगा, देखते हैं क्या है, कुछ तो आएगा, मज़ा आ जाएगा आज खाना खाने में, बेहतरीन ऐसा खाना शायद हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं खाएंगे, या हो सकता वापस एक बार आऊँ यहाँ पे फिर से। हनीमून मनाने आइए सब लोग यहाँ पे, शादी में आएंगे, हाँ जीतू भाई शादी यहीं करियो, बुक कर लियो पूरा बैच। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे, खोलना पड़ेगा, हाँ खोल दो खोल दो, कितने खोलने, अभी मेरी कटोरी सज रही है। और आज ऐसा फील आ रहा है कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, ऐसी फील आ रही है, बादशाहों का बादशाह, आज लग रहा है पहली बार कि मैं बादशाह हूँ, आम ही राजा तो कुछ भी खाई चा, सब कुछ खाई चा। दोस्तों ये है कड़ी, ये यहाँ पे पड़ी, ये कुछ है, ये भी कुछ और है, ये कुछ सब्जी है, ये दाल है, ये तो मैंने आपको बताया, चूरमा है, ये सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं। अभी पूरी आ रही है, रोटी आ रही है, बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही है। और देखिए कितना प्यारा दृश्य यहाँ का, आने दो। तो बढ़िया तरीके से सजाई जा रही है थालियाँ, मस्त मज़ा आएगा। अभी क्या आ रही है पूरियाँ, मस्त पूरियाँ मना यहाँ पे किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। अच्छा इसको मक्खन लगा के खानी है क्या, हाँ चलो चलो बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद लगाओ जी, बिल्कुल ये लो, जय माता। चलो दोस्तों मक्खन लगा के रोटी पे मस्त खाएंगे,